पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम पास्का का दूसरा दिन में है। हम सब यहां इसलिए एकत्रित हैं कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है। अगर प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा नहीं होते तो शायद हम कोई भी विश्वासी बनकर यहां नहीं आते। हमारे इस गिरजाघर में एकत्रित होना और इस मिसा बलिदान में भाग लेना एक सबूत है कि प्रभु यीशु आज हमारे बीच जीवित है। आज के पाठों द्वारा हम यह सुनेंगे कि जो शिष्यगण भयभीत होकर बंद कमरे में अपने आप को बचाने के लिए रह रहे थे, प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद जब उनको पता चला कि सचमुच ईश्वर प्रभु यीशु मृतकों में से जी उठे हैं, तब वे पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर हजारों की संख्या के लोगों के सामने खड़े होकर प्रभु का साक्ष्य देता है और अनेक लोग उनका साक्ष्य सुनकर प्रभु में विश्वास करते हुए बपतिस्मा ग्रहण करते हैं। और आज के सुसमाचार में हम सुनेंगे कि मेरी मैग्दलीन प्रभु को ढूंढते हुए कब्र में पहुंच जाती है और वहां वो प्रभु को पाता है और प्रभु पर विश्वास करते हुए वे अन्य शिष्यों को अपना अनुभव बांटने के लिए चले जाते हैं। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी प्रभु को साक्ष्य दें और हम हर एक व्यक्ति को ईश्वर साक्ष्य देने के लिए बुलाया है और इसमें कुछ भूल चुके हो गए तो हम ईश्वर से माफी मांगे। आइए हम अपने पापों को स्वीकारते हुए इस मिसा बलिदान के लिए अपने आप को योग्य बनाए। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने कुमारी धनी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमें आनंद जीवन प्रदान करें। आमीन। करो प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु, दया करो। क्रिस्त प्रभु वरे क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह। क्रिस्त प्रभु वरे क्षमा करो प्रभु यीशु मसीह। दयालु है तू परमेश्वर, दया करो प्रभु पाप निहारक, दया करो प्रभु, दया करो, दया करो प्रभु।
प्रभु पाप निहारत दया करो प्रभु दया करो प्रभु दया करो प्रभु दया करो। जब महिमा गाए परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए प्रिय ईश्वर की प्रशंसा हो। तू पिता तू ईश्वर है, तू सर्वव्यापी है, धन्य तुझे हम कहते हैं तेरी महिमा गाते हैं। तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। यीशु पुत्र तू ही प्रभु है, तू तारणहार है, पाप हमारे हर लेता है, तू दया सागर है। तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। तू भावनात्मा तू प्रभु है, तू सृजनहार है, कृपा हम पर तू करता है, तू विनती सुनता है। आराधना तेरा गुणगान करते हैं, तेरी आराधना तेरा गुणगान करते हैं। ऊंचा जब महिमा गाए परमेश्वर की जय जय हो, स्वर्ग धरा भी स्तुति गाए ईश्वर की प्रशंसा हो। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तू पास्का की औषधियों द्वारा हमारी आत्मा को चंगा करता है, हमें स्वर्गीय वरदान देता रहे कि हम पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त करें। आज हम पृथ्वी पर आनंद मना रहे हैं, तेरी कृपा से हम एक दिन स्वर्ग का परमानंद प्राप्त करें। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर आपका मन और होठों को पवित्र कर दे ताकि आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर पास का अठवारे का मंगलवार पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 2 पद संख्या 36 से 41। पाठ का मूल वाक्य है, आप लोग पश्चाताप करें, आप लोगों में से प्रत्येक यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। पिंतकोस्त के दिन पेत्रुस ने यहूदियों से यह कहा, इस्राएल का सारा घराना यह निश्चित रूप से जान ले कि जिन्हें आप लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया है ईश्वर ने उन्हीं को प्रभु भी बना दिया और मसीह भी। यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेत्रुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों
हमें क्या करना चाहिए? पेत्रुस ने उन्हें यह उत्तर दिया, अपने अपने पापों की क्षमा के लिए यीशु के नाम पर बपतिस्मा ग्रहण करें। इस प्रकार आप पवित्र आत्मा का वरदान प्राप्त करेंगे, क्योंकि वह प्रतिज्ञा आपके लिए तथा आपके संतान के लिए और उन सबों के लिए जो अभी दूर है और जिन्हें हमारा प्रभु ईश्वर बुलाने वाला है। पेत्रुस ने और बहुतों से बातों द्वारा साक्ष्य दिया और यह कहकर उन्हें उपदेश दिया कि आप लोग अपने को इस विधर्मी पीढ़ी से बचाए रखें। उन्होंने पेत्रुस की बातें मानकर बपतिस्मा ग्रहण किया। उस दिन लगभग 3,000 लोग शिष्यों में सम्मिलित हो गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा।
मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। उसने रोते रोते छूकर कब्र के भीतर दृष्टि डाली और वहां यीशु का शव रखा हुआ था। वहां उजले वस्त्र पहने दो स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने। दूतों ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहां रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने यीशु को वहां खड़ा देखा, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। यीशु ने उससे कहा, भद्रे आप क्यों रोती है? किसे ढूंढती है? मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें उठा ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है, मैं उन्हें ले जाऊंगी। इस पर यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उनसे कहा, रबोनी अर्थात गुरुवा। यीशु ने उससे कहा, चरणों से लिपटी रहकर मुझे मत रोकना, मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूं। मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे यह कहना कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता, अपने ईश्वर और तुम्हारे ईश्वर के पास जा रहा हूं। मरियम मग्दलीना ने जाकर शिष्यों से कहा कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों और बच्चों, आज हम पास्का का दूसरा दिन मना रहे हैं। हम जानते हैं अगर हमारे परिवार से कोई जिन्हें हम बहुत प्यार करता है मर जाता है तो हमको बहुत दुख लगता है और कुछ समय तक हम दुखी बने रहते हैं। और कुछ लोग तो जल्दी ही वे इसको स्वीकारते हुए अपने साधारण सा जीवन जीना आरंभ करता है और कुछ लोग ऐसे हैं ये दुख में वो बने रहता है, क्योंकि जो व्यक्ति गुजर गए हैं इस दुनिया में नहीं रहे हैं उनके प्रति उनका प्यार बहुत अपार था और वे कुछ समय लेकर ये साधारण जीवन जीने में कामयाब रहते हैं, नहीं तो वे दुखी बने रहते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे प्यार के गहराई पर आधारित रहेगा हमारा दुख की अवधि भी। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि मरियम मग्दलीना प्रभु के कब्र में सुबह के समय प्रभु को देखने के लिए, उनका आदर सम्मान प्रकट करने के लिए आती है। उसका कारण यह है कि वो प्रभु यीशु को अधिक प्यार करती थी। और हम देखते हैं कि शिष्यगण अपने जीवन को बचाने के लिए भयभीत होकर बंद कमरे में बैठे थे। यद्यपि मेरी मग्दलीना प्रभु को बहुत प्यार करती थी, लेकिन प्रभु का वो संदेश वो नहीं पहचाना, नहीं समझा कि प्रभु यीशु तीसरे दिन जी उठेगा। इसलिए प्रभु यीशु को देखने के बाद भी उन्होंने प्रभु यीशु को पहचाना नहीं और वे सोचे कि वो माली है और
उनसे पूछता है कि अगर प्रभु यीशु को उनका शव को वही लखीम ले गया तो उन्हें बता दीजिए ताकि वो वापस ले आ सकेगी। जब प्रभु यीशु ने उनका नाम लेकर बुलाया मरियम, तब वो समझ लिया कि ये सचमुच यीशु है। कि उन्होंने कहा, गुरुवर रबोनी। गुरुवर कहते हुए उन्होंने अपने चरणों में गिर पड़ी और यीशु उनसे क्या कहा कि मेरे पैरों पर पकड़कर ना रहो, जाओ और जो कुछ आपने देखा है अपने शिष्यों को जाकर बताओ। प्यारे भाई और बहनों, इस घटना का मतलब हमारे लिए क्या है? ईश्वर के प्रति हमारा समर्पण, हमारे ईश्वरीय अनुभव पर निर्भर रहता है। जितना गहराई से ईश्वर का प्यार हम अनुभव किया है, उतना हम प्रभु से जुड़े रहेंगे, हम उतना प्रभु को खोजते रहेंगे। या हम प्रभु से कुछ अपने लिए कुछ लाभ इच्छा मन में रखते हुए अनुयाय बना है, उसमें विश्वास करते हैं, तो जब संकट का समय आते हैं तब अपने जान बचाकर हम भाग जाएंगे। शिष्यगण शायद ऐसे ही किया था। वे सोचा कि जब वे प्रभु का शिष्य बनकर उनके अनुयायी बनकर चले तो वो सोचे कि वो सचमुच राजा बन जाएगा और वे उनके मंत्री पद में बैठेंगे। महत्वाकांक्षी लोग थे वे, लेकिन ईश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का प्यार बराबर वो समझ नहीं पाया। मेरी मैग्डलिन हम देखते हैं कि उनके बहुत पापों को ईश्वर ने क्षमा किया, इसलिए अधिक प्यार उन्होंने अपने जीवन में एहसास किया। इसके कारण मेरी मैग्डलिन प्रभु से जुड़े रही और प्रभु इस धरती से जाने के बाद भी उनके साथ रहना वो चाहती थी, इसलिए उनके कब्र में वो जाती रहती। प्यारे भाई और बहनों, हमारे ईश्वर के प्रति प्रेम के आधार पर रहेगा हमारी उनके प्रति समर्पण। लेकिन ये भी हम देख सकते हैं कि प्रभु के पास नजदीक रहने के बावजूद भी मादा मरियम प्रभु की सभी बातों को समझी नहीं, इसलिए प्रभु के पुनरुत्थान के बारे में उनको पता नहीं था। और जब तक प्रभु का दर्शन उन्हें नहीं मिला तब तक वो प्रभु को बिल्कुल समझा नहीं, प्रभु की बात को भी समझा नहीं। और एक बार उन्होंने प्रभु का दर्शन किया, दर्शन पाया, और इसके बाद हम देख सकते हैं कि वे अपना मिशन कार्य आरंभ करती है। हमारे जीवन में भी ऐसा हो सकता है, प्रभु के साथ रहने के बाद भी और प्रभु के वचन सुनने के बाद भी हम प्रभु को बराबर पहचानते नहीं है। हम प्रभु को दिल से प्यार नहीं कर पाते हैं। कारण इसे ही है कि प्रभु का अनुभव हमारे जीवन में कमजोर रह गए हैं। प्यारे भाई और बहनों, हम देख सकते हैं कि फरीसी लोग भी मसीह की प्रतीक्षा में थे। अब ये लोग सब कुछ जानता था, संहिता में जो कुछ लिखा हुआ था वो सब जानते थे। इसके बाद भी जब मसीह सचमुच इस धरती में पैदा हुआ, ये मसीह को पहचाना नहीं है। हम भी इस प्रकार हो सकते हैं, हम लंबी लंबी प्रार्थनाएं करते रहते हैं और कई घंटों तक प्रभु के समक्ष रहते हैं, इसके बाद भी ये भी हो सकता है कि हम मसीह को बराबर पहचानते नहीं हैं। और मसीह को अगर हम बराबर पहचानते हैं तो उनके प्रति साक्ष्य देने में हम कभी भी भूल चुक नहीं करेंगे। हम यही बात हम आज के पहले पाठ में सुना है। जब शिष्यगण को पता चला कि प्रभु यीशु मसीह सचमुच जी उड़े हैं, उनका दर्शन वे पाए, आ पवित्र आत्मा उन पर उधर आए, तो हम देख सकते हैं कि ओ अनबट नगण्य लोग, आज हम देख सकते हैं कि पेत्रुस के नेतृत्व में अनेक लोगों को के सामने खड़े होकर प्रभु के विषय में कहता है, जिन्हें तुम लोगों ने सूली पर चढ़ाया था उन्हें ईश्वर हमारे मसीह अब प्रभु बनाया है। और लोग पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, तो उन्होंने कहा
है कि पश्चाताप करो, उस पर विश्वास करो और बपतिस्मा ग्रहण करो। हम देख सकते हैं कि उनकी बात सुनकर हजारों की संख्या में प्रभु पर विश्वास किया और बपतिस्मा ग्रहण किया। उनका मिशन कार्य वहां से आरंभ होता है। प्यारे भाई और बहनों, हमारा दायित्व भी यह बनता है, जो अनुभव हम ईश्वर से पाए हैं वो अनुभव एक दूसरे के साथ बांटने के लिए ईश्वर हमसे कहता है। प्रभु सचमुच जीवित है। ये सब घटनाएं एक सबूत है। जिस प्रकार ये अनपढ़ शिष्यगण अनेकों को ईश्वर में विश्वास करने के लिए अपना ईश्वर का साक्ष्य दिया, जिस प्रकार मरियम मगदलीना ने प्रभु का दर्शन पाकर उसका साक्ष्य दिया, उसी प्रकार हम भी अपना अनुभव एक दूसरे के साथ बांटे और साक्ष्य दें। वही हमारी जिम्मेदारी है, हरेक ईसाई की जिम्मेदारी है। इसलिए कहता है कि हरेक विश्वासी एक मिशनरी है। ये समय जब हम पास्का समारोह मना रहे हैं, पास्का के इस अवधि हमें अब याद दिलाता है कि हमारी दायित्व क्या है, ताकि हम प्रभु का सच्चा साक्षी बनकर जिए और प्रभु का अनुभव जो हम पाया है वो अनुभव एक दूसरे के साथ बांटते हुए हम प्रभु का सच्चा मिशनरी बनकर जीवन जिए। प्रभु की आशीष कृपा हमें प्राप्त हो। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण। मेरा जीवन तुझे अर्पण, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दात्रस रोटी, आया हूँ प्रभु शरण तुम्हारी, लाया हूँ यह दात्रस रोटी, शरण करो मेरा बलिदान, प्रभु तेरा बलिदान, दे दे प्रभु तेरा बलिदान, मेरा जीवन तुझे अर्पण, मेरा तन मन तुझे बलिदान, स्वीकारो प्रभु पावन, कर दो जन मन कल्याण, मेरा जीवन तुझे अर्पण। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें, हे प्रभु अपने परिवार का चढ़ावा दया पूर्व स्वीकार कर, तेरे संरक्षण में यह तेरे दानों का सदुपयोग करके आनंद उपहार प्राप्त करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आ
सब लोग होंगे साथ हो और आपकी आत्मा के साथ प्रभु में मन लगाइए हम प्रभु में मन लगाए हुए हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे यहाँ उचित और न्याय संगत है हे प्रभु ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा इस विशेष करके इस दिन में अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब क्रिस्त हमारे पास काका मेमना बलि चढ़ाए गए हैं यही है सच्चा मेमना जिन्होंने संसार का पाप हर लिया है इन्होंने मृत्यु सहकर हमारे मृत्यु नष्ट कर दी अपुन जीवित होकर हमें नव जीवन प्रदान किया है इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होके और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर सरकार पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना पवित्र पवित्र प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना सर्वोच्च स्वर्ग में होशन्ना पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर पवित्र 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 प्रभु विश्व मंडल के ईश्वर विश्व मंडल के ईश्वर विश्व मंडल के ईश्वर हे प्रभु तू वास्तव में पवित्र है सारी पवित्रता का स्रोत है हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन उभारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए
जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंप गई, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पीवो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धार करता, हमारा उद्धार कर, तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा यज्ञदा के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपने कलीसिया की स्तुति लें तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी स्तुति लें जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धर चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी आनंद जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत योसेफ, प्रेरित गण, सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र येसु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। प्यारे भाई और बहनों, हम श्रद्धा और भक्ति के साथ
हमारे सभी मनोरथों को प्रभु के समक्ष समर्पण करते हुए वही प्रार्थना दोहराइए जो प्रभु ने हमें सिखाया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु दुराई से बचा। हे प्रभु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से तथा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त तूने अपने प्रेरितों से कहा है मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा यज्ञता प्रदान कर। तू युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त हम तेरे शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाले हैं, ये हमारे लिए विचार और दंड का कारण ना बने बल्कि तेरी दया से हमारा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करते रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूक्रिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर तूने अपने प्रजा को बपतिस्मा की पूर्ण कृपा प्रदान की है, हमारे हृदयों को इस तरह पिया तैयार कर कि हम आनंद सुख का पुरस्कार प्राप्त कर सके। ये वरदे हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता पुत्र और पावन आ।
बन अलेलुया 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 ईश्वर को धन्यवाद अलेलुया अलेलुया अलेलुया। मृत्यु के बंधन तोड़कर प्रभु जी उठे हैं, नव जीवन पाकर पिता से प्रभु जी उठे हैं। मृत्यु के बंधन तोड़कर प्रभु जी उठे हैं, नव जीवन पाकर पिता से जी उठे हैं। अलेलुया 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 अलेलुया। आनंद मनाओ प्रभु ने हर लिए पाप हमारे, आनंद मनाओ प्रभु ने हर लिए पाप हमारे, क्रूस की पीड़ा उसने उठाई, जन के खातिर प्रभु प्यारे, जन जन के खातिर प्रभु प्यारे, विजय हुए वो नव जीवन पाकर। अलेलुया अलेलुया अलेलुया।